1 Corinthians 13, 4 through 8. Corinthians 13, 4 through 8.
Hallelujah. परमेश्वर पिता पापी मनुष्य को चंगाई करने वाला प्रेम से हम लोग को देखभाल करने वाला आज सुबह हम लोग को अच्छा मौका देकर यहाँ तेरा महल में हम लोग इकट्ठा होकर के आया है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ इसी समय में तेरा घर में आने वाला वह तेरा बच्चा लोग ने अपने जेब से निकल करके रुपया तेरा सामने लेकर आया है प्रभु। इसी को तूने सही रास्ता में तेरा राज आगे बढ़ाने के लिए तू इसको आशीष कर दे और जो देने वालों को प्रभु तू उन लोग को भूलो मत और उन लोग को बहुत सा गुनाह से उन लोग को वापस देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो हमें किया वही यीशु का नाम के लिए ये यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमें। आमें। कि पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तभी तुम्हारे भाई सही पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने पत्नी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो अर्थात बाल गुंथना और सोने का गहना या भांति भांति के कपड़े पहनना। आपको मैं हम लोग में तो शायद कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ सहायक का मतलब हम लोग समझते हैं शायद सहायक का मतलब है असिस्टेंट बोला जाता है सहायक। जैसे मैं जब शुरू शुरू में काम की थी मैं पीए थी पर्सनल असिस्टेंट थी मैं सेक्रेटरी थी ऑफिस में। उस समय क्या हुआ मेरा जो बॉस है उसको उनको मैं
सब कुछ वो मेरे ऊपर निर्भर करता है क्योंकि मैं उनके सहायक हूँ. उनके सहायक का मतलब है कि वो कहाँ जाता है, वो डेट में वहाँ मीटिंग होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ मैं तैयार होकर उनके पास ले जाती हूँ. फिर उनका फोन करना है मेरे पास ही. अगर मैं यहाँ गलती करूँ तो मेरा बहुत गलती में जाता है. एक बार मेरा गलती हो गया, मेरा इतना पास सर्विस में मीटिंग था नहीं था, मैंने उसी दिन मीटिंग खोल के वो जाके चीफ मिनिस्टर से मिलने गया, वहाँ बिकार में वो बैठने लगा. मेरा गलती था क्योंकि मेरा जो बॉस है वो मेरे ऊपर डिपेंड किया था. तो उसी तरह ईश्वर हमारा जो परमेश्वर ने जब बनाया था एडम को, अकेला था वो फैमिली बनाने के लिए, वो अकेला था. लेकिन ईश्वर ने क्या नहीं, ये अच्छा नहीं है, उसके सहायक में बना था. तो सहायक के लिए वो पसली से निकल के जब एडम सो रहा था, वो पसली से और ईव को क्या बोलते हैं, हवा को बनाया. वो हवा का जब बनाया, आप लोग सोचते होंगे वो सहायक है, लेकिन सहायक कितना जरूरी है मैंने अभी बताया. वो सहायक जो है, वो सहायक के बिना आदम काम नहीं कर सकते. क्योंकि आदम जो था वो पहला पुरुष था. आपको मालूम है जब कोई पुरुष कहीं हमारा हस्बैंड घर काम से बाहर आते हैं, पहले क्या पूछेगा, तुम्हारी माँ कहाँ है, पहले पूछेगा. क्योंकि आदम का जो है वो कमजोरी क्या बन गया है, उसका पत्नी. एक पुरुष का जो कमजोरी पत्नी होता है. उसके बदले में क्या करूं, धने Oh.
Hallelujah. Thank you.
इतिहास के बारे में आपको अगर जानना है और भूगोल के बारे में जानना है और जैसे मेडिकल के बारे में जानना है तो आपको सब कुछ यहाँ मिल सकता है. If you need a psychiatrist, I'll tell you a good one. और अगर दिमाग का हालात ठीक नहीं है फिर भी यहाँ मिल सकता है दवाई. Holy Spirit. हमारा तो पवित्र आत्मा है. Free, no fee paid. कुछ पैसा देने कोई जरूरी है नहीं. Yeah. All you do is start with faith and prayer. और आपको क्या करना है एक विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है. And you pray what we call pray through until you have victory. और मेरा मतलब है जब आप प्रे करेंगे आप जब प्रार्थना करेंगे तो. Anyway, I was supposed to give a speech, not preach. And so. So, God can bless India and make it great as or greater than America. That's faith. Praise the Lord. Where Jesus is and the gospel is preached, it creates what's called social lift for a community. और जहाँ पे हमारा यीशु मसीह का प्रचार होता है वहाँ पे जो कम्युनिटी होता है उन लोग हमेशा कभी भी झलता नहीं परंतु बढ़ता है. That is a sociological true study reality. ये सच्चाई है. So be edified, be blessed in this blood fellowship of sacrifice by the owner of this house. Made this church because his heart is to love you and the community because of the love of God through him. Hallelujah. आप लोग इनके लिए इन घर और परिवारों के लिए आशीष बन जाए. Just remember the home is a miniature church. और आपको भी याद होना चाहिए जो घर जो है शुरुआत है एक मंडली का शुरुआत है. So let the head of the home, if you're married to an unsaved man, you pray and be like Jesus for him. और आपका अगर कोई पति हिंदू हो या तो मुस्लिम हो या तो विश्वासी में नहीं आए तो आप लोग ध्यान रखो कि उनके लिए आप प्रे करो जिससे आप लोग उनके लिए जीजस बन के रहो. Anyway, God bless you. I love you, and we'll be praying for you in this fellowship and this church when it's alive, when something alive grows. और मैं आप लोग हम आपके लिए प्रे करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग उन्नति होते जाएंगे. मैं आप लोग को मुलाकात करवाना चाहता हूँ कि रेफरेंस अभी एंड मिसेस उसका पत्नी है ये मैडम मुआनी. हम लोग मिजो में मुआनी होती है मुंबई में इंडियन आर्मी उसी का. हाँ हाँ एनसीसी का वहीं में बड़ा काम किया लेकिन बुलंदकरी पेंशन ले करके मुंबई में काम करते हैं. बुलंदकरी पेंशन करके अपना काम छोड़ करके अभी गुवाहाटी में रहते हैं. 7 साल में रेफरेंस अभी भी अमेरिकन का है. रेफरेंस पास्टर है हुए पिताजी से लेकर पास्टर है उनका खानदान. अचानक परमेश्वर ने दोनों को मुलाकात करवा करके एक परिवार बना करके और 6 महीने के लिए इंडिया में वीजा मिला. हमने जुलाई को खत्म होगा उसके बाद उन लोग रिन्यू करके हमारा यहाँ आस पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इंडिया जहाँ जहाँ में प्रचार करने के लिए गॉस्पेल के लिए इनका अमेरिका सबसे ऊंचा हम लोग प्रचार का वही छोड़ करके यहाँ हम लोग फाटवर में आता है. परमेश्वर का प्रोग्राम होगा. आज भी हम लोग पहला बार यही प्रोग्राम बनाया उसी में दोनों का कुछ यह नहीं है लेकिन परमेश्वर ने अपना काम किया. यहाँ क्रांति हक हम लोग का मंदिर का अंदर तक भी दोनों लेकर आया है और मदम तो
ग्रुप ने सल्वेशन आर्मी का जो मिजोरम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फाउंडर लोग का भंडार का है ये भी जहाँ में भी रहने से मुंबई हो या दिल्ली हो या बेंगलोर सल्वेशन आर्मी यूनिफॉर्म पहन कर जाती है जब सिपाही लोग के साथ काम करती उसी समय में भी यूनिफॉर्म नहीं छोड़ती है आज इसलिए मैं आपको स्पेशल इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ हम लोग का घर वहाँ फतेहपुर में हम लोग का बीच तक तो हम आप लोग जाता वही में उन लोग अपना घर कैसा रहता है जो हम पिया पीता है परमेश्वर का नाम से अगर यीशु नहीं होगा तो इन लोग हमें नहीं मिलना था परमेश्वर का नाम से फर्ज हुआ जो लोग काउंसिल लोग भी हाथ हुआ में आ सकता है क्योंकि there is no bar between Christianity. Even American or Indian, Bengali or British, no? So, ये मैंने आपको मुलाकात करना चाहता था। अभी पत्नी जो है उसके सहायक है इसके लिए वो हमेशा जो भी अपने पति के रूप को देखे वो काम अच्छी तरह घर का संभालना उसका काम है और यहाँ पे जो हमने देखा है लेकिन कोई कोई तो हम लोग औरत जो है ना शिक्षित नहीं होते हैं हमें पता नहीं दिमाग भी नहीं होता है कभी कभी लेकिन दिमाग खोने का जैसे मेरे पति ने कहा है अभी दिमाग खोने के लिए हमें बाइबल में सब कुछ लिखा है वैसे तो मेरा दिमाग नहीं है ज़्यादा नहीं है मेरा दिमाग लेकिन बाइबल में होली स्पिरिट ने जो उस पर काम किया है उससे मेरा दिमाग आया है तो मैं भी यहाँ जो अभी हम लोग ने यहाँ अभी जो पढ़ा था ना रेबिका ने वो वाला हम बन सकते हैं मैंने अभी कहा था कि नीति वचन में जो लिखा है देखो लिखा है कि वो उनके पति ने क्या बोला है सुबह उठ के वो इतना काम करती है वो आदर्श नारी है वो आदर्श नारी है क्योंकि वो ईश्वर का मानने वाला नारी है हमेशा काम करती है घर में हमेशा वो जो भी खाती है वो अपना परिश्रम बल से घर का सजाती है वो उसका पति के लिए इतना आराम है कि उसका पति उसके बच्चे जब देखो हम लोग जब सुबह उठते हैं हमारे पति कभी बोलते हैं कि बहुत सी नारियाँ स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ हमारा पति बोलता है हमको मेरे पास नहीं बोलता है मुझे तो नहीं बोलता कोई कोई तो हम लोग झगड़ालू है उठने के बाद ही सुबह उठने के बाद ही शुरू बच्चे को गाली दो इसको ये गाली दो लेकिन उसके पति ने क्या बोला है बहुत से नारियाँ हैं लेकिन तू श्रेष्ठ है क्यों बोला है क्योंकि यहाँ क्या लिखा क्यों उसके पुत्र उठ उठ कर ठहरना कहते हैं उसके पति लेकिन हमारा पति ना चुप रहा माँ क्या बोलती रहती है मुझे बोलेगी मैं आदर्श नारी नहीं हूँ तो मेरा लड़का बोलेगा मेरे पति भी बोलेगा तो उसमें क्या लिखा है कि उसने प्रशंसा किया है तो उसमें क्या लिखा है सभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है वो हमारी जो सुंदरता है वो शायद हम सुंदर हो सकते हैं लेकिन जो आदर्श नारी है उसका अंदर का सुंदरता उसके पति का दिल लुभाया है इससे Hey!
ये हमारे पिता जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए राज जाए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला हमें दुराय से बचा दुराय से और प्रेमा और महिमा Healings of cancer, where? You prayed for people with cancer, where? Yeah, in locality. Yeah, in the locality. Oh, in your village? His village. Yeah, his name is Dinobandhu Rai. Oh, hallelujah. And he, in Kerala, he went for work and he fell down from a building. Hmm. So in the backbone, it's broken. Now he's having cancer. So we are continually praying for him. Oh. And now, a little bit, he's fine. Hallelujah. Okay. So always keep in prayer for them. Yeah. Yeah. Amen. For us also. Yeah. We can do more work. Yeah. Amen. Yeah, wherever we are, we have to work for the Lord. Mm. We cannot keep mom and cannot sit idle. We have That's to do right. something. Amen. That's right. Even if we sit. Oh. Was she staying here? You're gonna she's gonna stay. Oh, she's supposed to sit here. Oh, Munga was uncomfortable being back here. Sardine can. Bye. Nice canal. Mwani wants to go fishing in the canal. The wind's blowing on the camera. Canal in wɛst Bengal.
था ना यह है हां सब जगह पे तो हमारा ऑफिस का बस में रखे लोग आए मैंने बहुत कुछ किया मैंने बहुत कुछ किया तो वो बोला था कुछ भी दूध उसको भी पुरानी ने उसको प्रसाद दे दिया तो प्रसाद किया सबको दिया तो रेवा को दी अगर वो पुजारी को मालूम रहता कि मुस्लिम है तो उसको कभी नहीं देता मैंने बोला देखो हमारे चर्च में आपको मुस्लिम चाहिए आपको हिंदू चाहिए आपको खाना भी चाहिए आपको ड्रामेटिक चाहिए आपको चोर चाहिए आपको गर्व और हमारे चर्च में सब कोई कोई तो ना नशा उसके वही में गिरा हुआ आपको सब चाहिए मैंने ऐसा बोला फिर वो क्या बोलती हाँ कभी कभी हमारे दर्शन को नहीं समझ में आता है ना कितना मैंने बोला मैंने भी ये में क्या लिया पता है उसके लिए उसने क्यों लिया है वो और लेकिन ये सब इंसान ने बनाया हुआ है कि ये जाते रहेगा ये जाते रहेगा ये जाते रहेगा ये सब कुछ बनाया हुआ है और तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो वो बोल के वो तो ऊँचे है ना मैंने बोला हमारे इंसान तो ऊँचा नहीं हो नहीं बोल वो तो मुझे कोई भी इसलिए नहीं बोलते मुझे बहुत सीखने का दिल था मैंने बहुत सीखा है और बहुत पढ़ा है और मुझे बारे में भी मतलब बहुत पढ़ा है क्योंकि वहाँ जो मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो रास्ता जो दिखाई गया है रास्ता पे आने के लिए की तरह आए ना वो सब कुछ करने के लिए सीखना पड़ता है क्योंकि आप लोग यहाँ आए है ना हम लोग मैं भी जिससे जो घर जाते थे ना हमें ऐसा है मैंने मुझे क्वेश्चन कर दिया कि क्यों ऐसा है देखो चमत्कार के बारे में भी आप देखो जब चमत्कार आप लोगों ने देखा मैंने मैं तो शायद आवा के उतर भी गए मैं बहुत तुमने मुझे लेके गए समझ गए मैंने कभी नहीं इसे सीखने के लिए और नासिक रोड में एक है उसमें पानी भरा हुआ है उसमें से पानी निकल के हम लोग उठा कर देखे जाके एक बड़ा मंदिर है उसमें जाने के लिए तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा लेकिन मैं लकी हूँ मेरा बहुत पूरा हम लोग लगे मैडम आप ऐसे हो मैंने बोला नहीं जो ये बनाने वाला उनको सामने में झुकती हूँ लेकिन मैं आज उनके सामने नहीं